Hey guys, what is up, what is up, what is up? So guys, कैसे आप सभी लोग? I hope कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. या गाइस, हम वापस आ चुके हैं एकदम खतरनाक धमाकेदार शानदार वीडियो के साथ. और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, कोई भी हिप हॉप नहीं है, कोई भी पॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी मूवी रिएक्शन नहीं है, कोई भी मूवी ट्रेलर रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है. आज हम देखने जा रहे हैं, भजन देखने जा रहे हैं भगवान शिव का, कैलाशों के वासी भगवान शिव. सो या आई एम प्रीटी एक्साइटेड. ये पहली बार हो रहा है हमारी चैनल पे. और जैसे कि अगर आपको नहीं पता हो तो मैं शिव भक्त हूँ. मैंने जब हंसराज रघुवंशी को सुना तब मुझे अच्छा लगा कि ओके, कोई पॉप को जुड़ा के भजन को भी लेके आ रहा है. ये पर्टिकुलर जो भजन है वो सिर्फ भजन ही है, उसमें कोई पॉप हिप हॉप या कुछ भी नहीं है. लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं हंसराज के जिसमें थोड़ा पॉप कल्चर है, जो आज के यूथ सुनते हैं उसको लेके भगवान शिव के भजन को इंटीग्रेट किया है और एक बहुत सारे ऐसे सॉन्ग बनाए. लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं पर्टिकुलर एक भजन, कैलाशों के वासी भगवान शिव. सो यार, आई एम प्रीटी एक्साइटेड. मैंने ये सॉन्ग सुना था और इसका मैंने व्लॉग भी बनाया था कि हम गए थे केदारकंठा और वहाँ पे ऋषिकेश में एक रिसॉर्ट में, मतलब एक होटल में रुके थे. और रात को मेरा एक भाई है देवांश, उसका बर्थडे था, तो बाद में उन्होंने ये सॉन्ग गाया था वहाँ पे. रेट्रो कैफे जैसा था, कोई आए थे, लाइव म्यूजिक गा रहे थे और तब मैंने ये सॉन्ग सुना था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था. लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये सॉन्ग हंसराज रघुवंशी का है. सो या अभी तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये सॉन्ग मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने एक दो बार ही सुना है और सुनते हैं भजन को और देखते हैं, मजा करते हैं और भगवान को याद करते हैं. सो या लेट्स गो. मैं कोई रिएक्शन नहीं देने वाला. मैं कोई भी अपना रिव्यू नहीं देने वाला. ये सॉन्ग सुनते हैं, ये भजन सुनते हैं और मज़े करते हैं. सिर्फ एक अवेयरनेस आप लोगों ने तो सुना ही होगा, लेकिन जो पॉप वाले हैं, जो पॉप कल्चर वाले हैं, जो हिप हॉप करते रहते हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि एक ये वीडियो डाल ही देते हैं और इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं पॉप कल्चर को कि भाई इसमें भी हो सकता है भगवान के साथ, भगवान के भजन के साथ हिप हॉप भी हो सकता है और एक नया वे मिलेगा पॉप कल्चर को भगवान के साथ इंटीग्रेट करके. एक और ऐसा एक सॉन्ग है ब्राह्मवी का है, आत्माराम, उसको भी हम सुनेंगे. वो भी बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है. वो भजन इंटीग्रेट करके वो सॉन्ग बनाया है, तो वो भी बहुत बढ़िया है. लेकिन अभी इस पे फोकस करते हैं और जाते हैं हंसराज रघुवंशी के, कैलाशों के वासी भगवान शिव. लेट्स गो, लेट्स ट्यून इन. मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा. आई एम प्रीटी एक्साइटेड. ओके, बा हिमालय हंसराज, वाओ. Oh my God! Jabo! What a start! ये कोई भी ऐसा स्टार्ट नहीं हो सकता. कोई भी सॉन्ग में कोई भी बड़ा आर्टिस्ट हो, लेकिन जब भगवान की बात आती है, भगवान के भजन की बात आती है, तब जो एक मिठास आ जाती है, जब जो एक जोर पड़ता है सॉन्ग, जो एक जोर पड़ता है भजन में, भगवान के एक नाम से ही पड़ जाता है. और व्हाट अ स्टार्ट, आई जस्ट लव इट. वाओ. Wow. Wow.
Shiva, 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 ब्यूटीफुल माउंटेन कैलाश पर्वत माला शंकर तेरे कैलाशों का अंत न पाया पत्तियां भांग धतूरा शिवजी के मन को लोभाए ओ भोले बाबा शिवजी के मन को लोभाए। बेल की पत्तियां मतलब बिल्ली पत्र, बिल्ली पत्र और भांग धतूरा शिव के मन को लोभाए ओ भोले बाबा शिवजी के मन को लोभाए। बेल का पत्र, बिल्ली पत्र शिव का प्रिय पत्र है, प्रिय जो बोलते हैं कि शिवजी को प्रिय है वो बिल्वी पत्र है, वो तो हम सब जानते हैं। शिवजी को बिल्वी पत्र चढ़ाते हैं हम सब। और नाइस, देखो ये भजन है, एक जो लेखक है जो कवि है वो अपने हृदय से भजन को गा रहा है, भजन को रचा होगा, भजन को गाया है तो कनेक्ट हो रहा है। और भजन किसको कनेक्ट नहीं होगा, तो बहुत ही सुरीला आवाज और बहुत ही खूबसूरत लिखा है। इट्स ऑलरेडी फेमस भजन, इट्स ऑलरेडी फेमस वीडियो ऑन द यूट्यूब। और क्या ही बोलूं, लाइक जिन्होंने भी नहीं सुना होगा वो भी अब इसको सुनने लगेंगे। वो भोले बाबा शिवजी के मन को लोभाए शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हर चंदेरे जगाना एक था डेरा तेरा चंदेरे जगाना दूजा लाई दिता भर मोरा
हर हर शंभु, ओ माय गॉड। वोकल्स हंसराज रघुवंशी, म्यूजिक डॉक्टर विनोद गंधर्व, कैमरा मनु जामवाल, एडिटर पंकज भारद्वाज, ग्रेट युवराज फिल्म डायरेक्शन, ग्रेट ग्रेट वीडियो, आई वुड से ग्रेट भजन। कुछ नहीं बोल सकता, बस एक दिल से दिल की बात कर सकता हूँ कि जब जब शिव जी के नाम लेते हैं, जब जब शिव जी को याद करते हैं, जब जब शिव जी का स्मरण करते हैं, तब अंदर से एक खुशी आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। जब जब ये भजन सुनते हैं तब अंदर से मन खिल उठता है, मन खुश हो जाता है। हमारा तो मतलब हर किसी का ऐसा एक कनेक्शन रहेगा, कनेक्शन होगा कि भगवान का नाम लेते ही उनको अंदर से खुशी हो और मज़ा आए और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाए। और मैंने जब ये सॉन्ग सुना, मैंने जब ये भजन सुना, मैंने सोचा कि चलो देखो मेरी लाइन इसी में है, मैं वीडियोस इसी पे डालता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार हो ही जाए। पॉप कल्चर तो बहुत ले लिया, बहुत सॉन्ग डाल दिए, कुछ भी वो लोग कुछ भी बोल रहे हो, और मैंने रिएक्ट करके डाल दिया है। तब मैंने सोचा कि इसको क्यों नहीं मैं रिएक्ट करूँ, इसको क्यों नहीं मैं डालूँ, इसको भी क्यों नहीं मैं रिप्रेजेंट करूँ मेरी वीडियो से, मेरी चैनल से। सो मैंने सोचा, और मुझे श्रुति ने, मेरी दीदी ने भी आइडिया दिया कि ऐसा कर सकता है तू, मैंने बोला हाँ कर सकते हैं। तो बस हम लेके आ गए वीडियो। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर कैसे ऐसे ही धमाकेदार भजन के साथ। और मैंने सोच लिया है कि अब से मैं भजन को भी रिएक्ट करूँगा, क्यों नहीं मैं रिएक्ट करूँ, क्यों नहीं मैं करूँगा ही करूँगा। मैं भजन को रिएक्ट नहीं करूँगा तो कोई बात नहीं, मैं भजन को देखूँगा तुम्हारे साथ, आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे भजन को भी रिप्रेजेंट करना है, मुझे भजन को भी मेरी चैनल के थ्रू लोगों को दिखाना है। लोग तो कर ही रहे, जैसे कि हंसराज रघुवंशी, उनको तो 90 मिलियन और समथिंग व्यूज है, उनको तो लोग देख ही रहे, भजन तो सुन ही रहे। लेकिन जो हिप हॉप वाले, जो पॉप वाले, जिसको नहीं पता है, वो मेरे वीडियो के थ्रू अगर 10 बंदे भी देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, दैट्स माई प्लेजर ब्रो, दैट्स माई प्लेजर। मुझे अच्छा लगेगा कि वो 10 बंदे मेरी वीडियो देख के इस भजन को सुन रहे हैं। और अल्टीमेट गोल तो वही है कि भजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शिव जी के भजन को, और बस यही कहना था। और मैंने सोचा कि मैं करूंगा, तो मैंने कर दिया है और मैं आगे भी करता रहूंगा। सो या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर कैसे से धमाकेदार भजन में, तब तक के लिए बाय, सिया, हैव अ ग्रेट बाय।